रमला नवरत्नम का 10वां भाग है और इस 10वें भाग में भी हम शकलों के स्वरूप पर ही विचार करेंगे। शकल पूर्ण भूमिका निभाते हैं रमल के द्वारा प्रश्न का उत्तर देने में। इसी कारण से आचार्य इस संज्ञा रत्न में पूर्ण रूप से शकलों का विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। अब है हम संज्ञा रत्न के 43वें श्लोक में लह्यानात बखारिजौ नुसृल कब्जुल खारिजौ लह्यानातबखारिजौ नुसृल कब्जुल खारिजौ आग्नेय शकलं पूर्वे बलाढ्यं पीतवर्णकम्। आग्नेय शकलं पूर्वे बलाढ्यं पीतवर्णकम्। यहाँ पर आचार्य चार शकलों का नाम लिए हैं, लह्यान आतबखारिजौ, लह्यानम आतबखारिजम, उसके बाद है नुसरुल खारिजम, कब्जुल खारिजम। इन चारों की क्या विशेषता है, स्वरूप क्या बता रहे हैं? आग्नेयम, आग्नेयम का अर्थ हुआ ये अग्नि तत्व के शकल हैं, आग्नेय शकल। फिर पूर्वे बलाढ्यम अर्थात पूर्व दिशा में ये बली होते हैं ये चारों। पीतवर्णकम, और उनका वर्ण पीला वर्ण है, पीतवर्ण है। और आपको ध्यान में होगा पहले भी इनको, इन 16 शकलों को चार भागों में आचार्य ने वर्गीकरण किया हुआ था। तो ये हुआ 43वां श्लोक संज्ञा रत्न का, लह्यानातबखारिजौ नुसृल खब्जुल खारिजौ आग्नेय शकलं पूर्वे बलाढ्यं पीतवर्णकम्। अब उसके बाद हैं 44वां श्लोक, हुम्रा चातब दाखिलं फरहेज्जतमा तथा, हुम्रा चातब दाखिलं फरहेज्जतमा तथा वायवीयं च वारुण्यां बलाढ्यं रक्तवर्णकम्। वायवीयं च वारुण्यां बलाढ्यं रक्तवर्णकम्। यहाँ पर भी चार शकल आए हैं, पहला है हुमरा, उसके बाद आतब दाखिल, उसके बाद फरहा, तत्पश्चात इज्जतमा। ये हुए चार, हुमरा आतब दाखिल हरहा इज्जतमा। तो उनका क्या विशेषता हुआ, वायवीयम, ये वायु तत्व के हैं, वायवीया शकला अर्थात वायु तत्व से भरे हुए ये शकल हैं। और ये हैं वारुण्याम बलाढ्यम, वरुण दिशा होता है पश्चिम दिशा, और उस पश्चिम दिशा में ये बलि होते हैं। और रक्तवर्णकम, इनका वर्ण है रक्तवर्ण। ये 44वां श्लोक, हुम्रा चातब दाखिलं फरहेज्जतमा तथा वायवीयं च वारुण्यां बलाढ्यं रक्तवर्णकम्। अब श्लोक है 45वां, तारिखा च बयाजाख्यं नकी नुस्रच्च दाखिलं, तारिखा च बयाजाख्यं नकी नुस्रच्च दाखिलं आप्यच्च बलसंयुक्तमुत्तरे श्वेतवर्णकम्। आप्यच्च बलसंयुक्तमुत्तरे श्वेतवर्णकम्। यहाँ चारों के आए हैं, तारिखा, बयाजम, नकी, नुस्रल दाखिल। अब इन चारों शकलों का क्या विशेषता है, लक्षण क्या है, कह रहे हैं आप्या। आप्या
आपह कहते हैं पानी को, अर्थात ये जल तत्व के हैं ये चार शकल। आप्यह बल संयुक्तम उत्तरे, अर्थात ये उत्तर दिशा में बलि होते हैं श्वेतवर्णकम, ये श्वेतवर्ण के शकल हैं। तारिखा च बयाजाख्यम नकी नुसृच्च दाखिलम आप्यच्च बल संयुक्तम उत्तरे श्वेतवर्णकम। अब इस भाग का आखिरी श्लोक, कब्जुल दाखिल मंकीश मुकला च जमातकम, कब्जुल दाखिल मंकीश मुकला च जमातकम पार्थिवं दक्षिणाशायां बलाढ्यं श्यामवर्णकम्, पार्थिवं दक्षिणाशायां बलाढ्यं श्यामवर्णकम्। इसमें जो आखिरी चार बचे हैं 16 में वो सभी आ गए हैं, इनको आखिरी चार कहिए अथवा दाखिल खारिज तारीख, ऐसे जो अलग अलग संज्ञाओं में वर्गीकरण किए हुए थे उनके समूहों में, ये आपको पूर्व पाठ को ध्यान में रखते हुए इनका विचार मन में भी करते रहना है। तो यहाँ चार हुए हैं, कब्जुल दाखिल, अंकीश, ओकला, जमात, ये चार शकल हैं। इनका क्या लक्षण बता रहे हैं आचार्य जी यहाँ पर, पार्थिवम, पृथ्वी से संबंधित जो होता है वह होता है पार्थिव, अर्थात ये पृथ्वी तत्व के ये चारों शकल हैं पार्थिवम। फिर उसके आगे उनका लक्षण क्या है, दक्षिण आशायाम बलाढ्यम, दक्षिण आशायाम आशा दिशा, दक्षिण दिशा में ये बलि होते हैं, और इनका वर्ण क्या है, श्याम वर्णकम, ये श्याम वर्ण के हैं। तो इस प्रकार ये हुए 16 शकलों के लक्षण, कब्जुल दाखिल मंकीश मुकला च जमातकम पार्थिवम दक्षिणाशायाम बलाढ्यम श्याम वर्णकम। अब इन 16 शकलों को चार समूहों में जिस प्रकार से यहाँ पर आचार्य बताए थे उसको एक साथ में देखते हैं। यहाँ पर ये 16 बीच में और उनके पास में उनका तत्व, दिशा और वर्ण, ये तीनों दिया हुआ है। जैसे ये हुए लख्यान, आतब खारिज, नुसरुल खारिज और कब्जुल खारिज, ये चार शकल, इनका समूह और इनका तत्व अग्नि तत्व, इनकी दिशा पूर्व, अर्थात पूर्व दिशा में ये बलि होते हैं, और उनका वर्ण है पीतवर्ण। इनके बाद हैं चार शकल, हुमरा, आतब दाखिल, फरहा, इज्जतमा, इन चारों का तत्व है वायु तत्व, और इन चारों की दिशा है वरुण अर्थात पश्चिम दिशा, और इन चारों का वर्ण है रक्त वर्ण। इनके बाद हैं तारिखा, बयाजम, नकी, नुसरल दाखिलम, इन चारों का मिला हुआ यह समूह, इनकी दिशा है, इनका तत्व है जल तत्व, और इनके दिशा है उत्तर दिशा, अर्थात यह उत्तर दिशा में बलि होते हैं, और इनका वर्ण है श्वेत वर्ण। और अंतिम चार, कब्जुल दाखिल, अंकीश, उकला, जमात, और इनका तत्व पार्थिव तत्व अर्थात पृथ्वी का तत्व, ये दक्षिण दिशा में बलि होते हैं, और इनका वर्ण है श्याम वर्ण। फिर मिलते हैं अगले भाग में।